वहीं भाजपा ने केसीसी बैंक की भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रदेश में इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने वल्लभ कॉलेज मंडी में केसीसी बैंक की परीक्षा रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने वल्लभ कॉलेज मंडी में केसीसी बैंक की परीक्षा रद्द होने को लेकर कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड बैंकों की भर्तियां करवाने के लिए किसी भी प्रकार से अधिकृत नहीं है और सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार से परीक्षाएं आयोजित करवाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों के पास बैंकों की भर्ती परीक्षा को लेकर कोई उचित व्यवस्था नहीं होती, जिस कारण अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलता है। भाजपा का ये मानना है कि जिन बच्चों को परीक्षा से वंचित किया गया है उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए और इस परीक्षा को स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित न करवाकर जो बैंक रिक्रूटमेंट की अधिकृत संस्था है IBPS उसके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए, न केवल मंडी में बल्कि हिमाचल प्रदेश में इस पूरी परीक्षा को रद्द करके एक बार पुनः नए IBPS द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रवीण शर्मा ने कहा कि चहेतों को लाभ पहुंचाने के राज्य सरकार पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां करवाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस मामले को बार बार उठाया, लेकिन सरकार के कानों पर चूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा का रद्द होना सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। उसके बाद सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर और क्षेत्र विशेष के लोगों को तरजीह देने के लिए सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को बार बार उठाया, परंतु सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी। और आज इसकी ही परिणति है कि जहां मंडी में सैकड़ों बच्चों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा, यह सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और सरकार को अपने गिरे बांध पर झांकना चाहिए कि आखिरकार क्यों वह योग्य बच्चों के साथ, काबिल बच्चों के साथ धोखा कर रही है। यह सरासर अन्याय है, यह अन्याय की पराकाष्ठा है। इन्होंने मांग उठाई है कि केसीसी बैंक की भर्ती परीक्षा को पूरे प्रदेश में रद्द करके इसे IBPS से करवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।